नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। तुनीशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर सलाखों में बंद उनके एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान की जमानत पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी हां, 11 जनवरी 2023 को वसई कोर्ट ने शिजान खान की जमानत याचिका पर 13 जनवरी तक फैसला सुनिश्चित कर लिया था। ऐसे में आज पता चलेगा कि शिजान को जमानत मिलती है या नहीं। शिजान खान को तुनीशा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते वे 24 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब से वह जेल में है। उनके वकील लगातार शिजान को जमानत दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं तुनीशा के वकील ने शिजान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा है। तुनीशा के वकील का कहना है कि तुनीशा की डिप्रेशन की बात गलत है, क्योंकि अगर वे डिप्रेशन में होती तो 12 घंटे काम कैसे करती। वहीं शिजान के वकील का यह साफ तौर पर कहना है कि ब्रेकअप के बाद तुनीशा किसी अली नाम के शख्स से बात करती थी, जिससे वह एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। मरने से पहले भी उसने अली से ही बात की थी। हालांकि तुनीशा की मां का कहना था कि अली सिर्फ तुनीशा का एक दोस्त था। खैर, अब देखना यह है कि शिजान खान को आज जमानत मिलती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या शिजान को जमानत मिलनी चाहिए या सच सबके सामने आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़ डिजिटल। धन्यवाद।